मेरे दोस्तों, बुजुर्गों ते मित्रों, सुल्तानी स्टूडियो वालों शायर नजीर सुल्तानी सलाम अर्ज करदा है ते सुल्तानी स्टूडियो पेश करदा है दास्तान जाट दादा ते मौलवी। मेरे दोस्तों, मैं तुहानू दसदा जावां भई दादा पिंड दे मरासी नूं आख्या जांदा है ते दादे पिंड विच व्याहां शादियां दियां गंढां लै के जांदे सी ते जे गंढां वड्डे कर दियां हुंदियां ते अगों भी वड्डा ही इनाम मिलदा ते इस दफा दादा पिंड दे चौधरी दियां गंढां लै के जा रहा सी। गंढां दा मतलब है शादी दा सुनेहा लै के जा रहा सी ते ये गंढां त्याणी नूं देण जा रहा सी भी जिथे चौधरी दी धी व्याही सी उहनूं व्याह दा सद्दा देण जा रहा सी क्यों जे उहदे छोटे भरा दा व्याह सी। दादे नूं उम्मीद सी भई उत्थों कोई वड्डा ही इनाम मिलेगा। वह किवें गंढां लै के जांदा है साधक पट्टी पेश करता है लाला जी रिकॉर्ड करते ने ते शायर नजीर सुल्तानी लिखता है। इस दास्तान की फरमायश करते ने पंचक कलां माटनपुर तो बाबा बशीर ते उहदे बुजुर्ग साथी रसूलपुर जट्टां तो मीर अहमद जट कालेवाला चीमा तो जकावला चीमा जंडियाला शेर खां तो तारक महमूद खान पिंड कालोके तो मिर्जा करामत बेग जी पट्टी साहब। तुरया दादा पिंड चो ते लै सुनेहा चला पिंड चो जादो तुरया सी ते ऐसी यारो कला रस्ते दे बिच टकरे ओनू मौलवी नाले जट अगे अगे तुरे जांदे सी ओते वटो वट ਭੱਜ ਕੇ ਦਾਦਾ ਰਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਾ ਜੀ ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ ਖਾਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗੋਡੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਸੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਸਾਡੀ ਗੂੜੀ ਨਿਭਦੀ ਯਾਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੰਢਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤਿਆਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਯਾਰ ਬਹਾਵਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜਾਣਾ ਵਜੋ ਕੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਯਾਰੋ ਜਲਸਾ ਇੱਕ ਕਰਾਣਾ ਜੱਟ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੇ ਲੰਬੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪੈਣੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਜੱਟ ਮਿਲ ਗਏ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੌਲਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਲਵਾ ਸ਼ਲਵਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਧਿਆਣੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੀਰ ਏ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਜੋਗੀ ਏ। ਦਾਦਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਖੀਰ ਖਾਵੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਕਮੀਨੀ ਦਿੱਤੀ ਡਾਡੀ ਤੰਗੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੱਟ ਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਲਗਾਈਏ ਵੇਖੀਏ ਚੰਗਾ ਖਾਬ ਇਸ ਦਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੀਰ ਸੱਜਣੋ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਖੀਰ ਨੂੰ ਮਾਣੀ ਸ਼ੋਦੀ
सौ गए सारे गैरी नींदर देवा पूरे दी वगे उठ सवेरे एक दूजे नू ख्वाब सुनावन लगे। उन्हें शर्त रखी सी भाई जिन्हू सब तो वधिया ख्वाब आएगा खीर ओदी। मौलवी कहन लगा दादा पहलो तू ख्वाब सुना। दादा कहन लगा मैं ख्वाब विच वेख्या भाई मैं त्याणी दे कर गया गंढा दितियां ते उन्होंने मैनू बड़ा इनाम कनाम दिता एक मझ दिती ते पांच पैलियां जमीन मेरे नामे ला दिती। मौलवी कहन लगा ख्वाब ते तू बड़ा वधिया वेख्या। दादा कहन लगा मौलवी साहब हुण तुसी ख्वाब सुनाओ। मौलवी कहन लगा मैं ख्वाब विच मदीना मुनवरा गया ते उत्थे मैनू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार नसीब होया। जट नमू झाणा जिहा हो के बैठा सी उन्हां दे ख्वाब सुणदा रहा सी उन्हां दे ख्वाब सुन रहा सी। वह दोवें उन्हूं पुछण लगे जटा तेनू की होया मूँह लमका के बैठा है तू ही अपना ख्वाब सुना। जट कहन लगा तुसी दोवें खुशकिस्मत हो जिन्हां ने एडे सोहने ख्वाब वेखे पर मैं बदकिस्मत हाँ जिदे ख्वाब विच पांच चुड़ेलां आईयां ते उन्होंने मैनू बड़ा मारिया नाले मैनू मार दियां सन ते नाले कहिंदियां सन उठ के खीर खा। वह मैनू उदों तक मार दियां रहियां जदों तक खीर दा सारा पतीला खाली नहीं हो गया। जद उन्होंने वेख्या ते पतीला खाली सी जट नू कहन लगे जदों चुड़ेलां तेनू मार रहियां सन तू सानू क्यों नहीं दस्या। जट कहन लगा मैं बड़ा रौला पाया पर तुसी ते इत्थे आए ही नहीं सी एक मदीने गया सी ते दूजा त्याणी दे पिंड पहुंचया सी। दोवें कहन लगे तू सानू भुख्या मार दिता है वह दोवें इत्थे की कहिंदे ने साधक पट्टी पेश करदा है। वेख्या जद पतीला ओना ते ओ पिया सी खाली पहलो ही जट ने जटा वाली इत्थे कर बखाली भुखे पाने तुर पै दोवें ते अपनी वाट मुकाई जट ने चंगा नहीं ओ कीता देंदे जान दुहाई दादा गंदा लैके यारो ते पिंड ते आनी आया आके दर ते तीराणी दे कुंडा चा खड़काया त्याणी वेख के दादा पिंड दा ते विच खुशी दे आई पुछदी कैसे वीर ने मेरे ते कैसी मेरी माई दादा के सबने चंगे रब ने कर्म कमाया रब ने कर्म कमाया मैं त्याणी गंडा लैके ते दर तेरे ते आया वी तेरे दी शादी आई तू ए उत्थे आना छेती छेती गंडा लै लै मैं अगले पिंड भी जाना। जदों त्याणी ने वीर दे व्याह दे बारे सुनिया ते कहन लगी दादा तू रोटी पानी खाद्यों बगैर नहीं जाना अन्ना की चावे दो अखियां ओ ते अगे ही बजारा भुखा प्यासा सी रात दाई। त्याणी ने वाह वाह कुकड़ कड़ा बनाए ते अंदर मंजा डा के रोटी लिया रखी ते आ पानी लैन चली गई। दादा जड़ा भुखा सी तत्ती तत्ती बोटी मूँह विच पा ली ते मूँह सड़न लग पिया ते जदों त्याणी अंदर वड़ी ते उन्हें छातल मूँह करके फूका मारनी शुरू कर दित्तियां। इन्ने चिर नूं त्याणी ने पानी दिता उन्हें वेख्या भी दादे ने तत्ता गोश्त मूँह विच पा लिया है ते मूँह साड़ लिया सू। दादा जिदा मूँह छत वाले सी कहन लगा त्याणी छत ते बड़ी सोहनी है। त्याणी कहन लगी छत ते दादा सोहनी है पर जे तेरे लंबू कोलों बच गई ते। दादे ने छेती छेती पानी पी के मूँह ठंडा किया रोटी रज के खा के कहन लगा त्याणी मैनू हुण इजाजत दे। त्याणी कहन लगी दादा तू मेरे वीर दियां गंढां लै के आया है दस की लैना है। एक कट्टा बड़ा सोहना वेड़े विच खड़ा सी। दादा कहन लगा बंदा तियां दे करों कुछ लींदा चंगा ते नहीं लगदा पर जे तू जिद करनी है तो चलो यह कट्टा ही मैनू दे दे। त्याणी ने कट्टे की रस्सी खोल के दादे नू दे दिती ते फिर की होया साधक पट्टी पेश करदा। कट्टा लैके दादा उथों कोल नदी दे आया कोल नदी दे आया आ गए उत्थे जट ते मौलवी
आन सलाम बुलाया। जद ने जिस दम कद्दा वेख्या ते कहिंदा ए ना जावे, कर कोई मेरी मदद मौल भी कद्दा थी आवे। आखन लगा मौल भी दादा पानी शानी डाला है, कत्ता लगदा है यार प्यासा ये दी प्यास बुझाला है। दोवे फड़ के नदी ते लै गए ते पानी डामन लगे, कत्ता पानी पीती जावे थल्यो यारो वगे। जट मौलवी नू कहन लगा कोई स्कीम लाइए, कट्टा दादे कोलो लाइए, तू मेरा साथ दे ते पिंड जाके मैं तेनू मन दाणियां दा देंगा। मौलवी मन दाणियां ते वेख्या ते जट कहन लगा दादा कट्टे नू नदी तो पानी पड़ा लियाइए, मैनू ये बड़ा प्यासा लगता है, पता नहीं कित्थों तू टोर के इनू लिया है। दादा कहन लगा गल ते ठीक है, दादा कट्टे नू नदी ते लै गया, जट ते मौलवी वी नाल टुर गए। मझां गावां दी आदत है जदों पानी पींदियां ने ते नाल ही मूत्रन लग पैंदियां ने, कट्टा पानी पीवी जावे ते नाले थल्यों मूत्री जावे। जट कहन लगा दादा तेनू उन्हां दा ला लिया है, कट्टा भी दिता ते ओ जिहदे ढिड विच मोरी है। दादा परेशान हो गया, कहिंदा ध्याणी नू इंज नहीं सी करना चाहीदा। मौलवी पुछण लगा दादा तू कट्टे दा करना की सी? दादा कहन लगा मैं मुंडे दे व्याह ते करना सी। मौलवी कहन लगा इहदा गोश्त हराम है, जिहड़े जानवर दे ढिड विच मोरी होवे उहदा गोश्त नहीं खाईदा। दादा होर भी परेशान हो गया। जट कहन लगा दादा कट्टा तेरे किसे काम दा नहीं रहा, ना ये कोई मझ गाए जिहड़ी सूप होवे ते अगा फल देवे, नीरे पट्ठे पाउंदा रहेगा, ये तू मैनू दे दे मैं गड्ढे अगे जोड़ लांगा। दादा कहन लगा गल तेरी सच्ची है, पर मेरे हुण किस काम दा, चल जट्टा तू लै जा। जट ने कट्टा फड़िया ते जट ते मौलवी जांदे रहे ते दादा खाली हथी मूँह लटकाउंदा कर जा वड़िया। मेरे दोस्तों ये सी साड़ी अज दी कहानी, तुहानू किवें दी लगी अपने कमेंट्स विच जरूर दसना। इहदे नाल ही सुल्तानी स्टूडियो वल्लों सादक पट्टी लाला जी ते शायर नज़ीर सुल्तानी नू इजाज़त दिओ। असी फिर किसी नवी दास्तान नाल दोबारा हाज़र होवांगे, उदों तक अल्लाह बेली अल्लाह बेली अल्लाह बेली।